छतरपुर के लवकुश नगर एसडीएम निशा बांबर ने अपने एक आदेश के कारण विवादों में घिर गई हैं और अब वे कांग्रेस के निशाने पर हैं। एसडीएम के इस आदेश का कांग्रेस ने निशाना बनाते हुए उन्हें बीजेपी का एजेंट बता दिया है और कलेक्ट्रेट व निर्वाचन अधिकारी से शिकायत करने की बात कही है। छतरपुर के लवकुश नगर एसडीएम निशा बांबर ने अपने एक आदेश के कारण मुश्किलों में पड़ गई हैं। दरअसल उन्होंने 19 दिसंबर को एक आदेश जारी किया था जिसमें चंदला विधानसभा के सभी बीएलओ को आदेश दिया गया था कि विधानसभा सीट में कौन कौन से जातियों के मतदाता हैं इसकी जानकारी दी जाए। एसडीएम का यह आदेश ही अब कांग्रेस के लिए मुद्दा बन गया है। युवक कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने एसडीएम पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह बीजेपी के एजेंट के रूप में कार्य कर रही है, जबकि मध्य प्रदेश में ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है जिसमें जाति के आधार पर मतदाताओं की सूची बनाई जाती है। युवक कांग्रेस अध्यक्ष का कहना है कि एसडीएम की इस हरकत की शिकायत वह कलेक्टर और निर्वाचन अधिकारी से करेंगे और एसडीएम के आदेश को लेकर उन पर कार्रवाई करवाएंगे। गौरतलब है कि चंदला विधानसभा सीट बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के खजुराहो लोकसभा क्षेत्र में आती है। वहीं जब एसडीएम से इस बारे में बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने इस मामले में बोलने से ही मना कर दिया। उनका कहना है कि अनुसूचित जाति जनजाति की जानकारी भारत सरकार निर्वाचन आयोग ने मांगी थी, लेकिन एसडीएम के पत्र में गलतियां थी इसलिए पत्र को वापस ले लिया गया था। लवकुश नगर की एसडीएम और चुनाव की जो अधिकारी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बनकर काम कर रही हैं। आप ये सोचिए कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में कहीं भी ऐसा आदेश जारी नहीं हुआ है जहां पे बीएलओ के माध्यम से ये जानकारी एकत्र की गई हो कि किस पोलिंग बूथ पे किस जाति के कितने लोग हैं, उनके मोबाइल नंबर तक उन्होंने उस जानकारी उस आदेश के माध्यम से मांगे हैं, जो कि पूर्णतः अनुचित है। निश्चित तौर पे मैं तो स्पष्ट कहना चाहूँगा कि वहाँ के विधायक राजेश प्रजापति एवं प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी के दबाव में आकर इन्होंने ऐसा ये कदम उठाया है और जिसकी मैं शिकायत जिला कलेक्टर साहब को, कमिश्नर साहब को और यहाँ पे जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं मध्य प्रदेश सरकार और मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो हैं वो भारत सरकार, इन सभी लोगों को शिकायत के माध्यम से हम भेजेंगे। भेजने के बाद हम हाई कोर्ट में इस आदेश को चैलेंज करेंगे और तब तक अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है, प्रशासन के द्वारा इनको सस्पेंड नहीं किया जाता है, तो हम आने वाले समय में धरना प्रदर्शन करेंगे, कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे ताकि एसडीएम को तत्काल सस्पेंड करके उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए। भारत निर्वाचन आयोग की यह मंशा थी कि जो आदिम जनजातियाँ हैं, प्रिमिटिव जनजातियाँ हैं मध्य प्रदेश में, ऐसी सारी जनजातियों की मतदाताओं को वोटर लिस्ट में फ्लैग किया जाए। जो पत्र है, मेरी जो प्रारंभिक चर्चा हुई है संबंधित ईआरओ से, उसके द्वारा इसी मंशा से जारी किया गया था, लेकिन अगर पत्र का पूर्ण रूप से पालन होता तो उसमें निश्चित रूप से अन्य जातियों की भी संख्या और गणना होती। तो ऐसी दशा में पत्र पूर्ण रूप से सही ना होने के कारण संबंधित अनुभागीय अधिकारी द्वारा वापस भी लिया गया है और आगे इस संबंध में हम लोग आयोग को प्रतिवेदन दे रहे हैं। चूँकि आयोग ही चाह रहा है कि प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं, उसकी जो प्रिमिटिव ट्राइब्स में मतदाता हैं उनको फ्लैग करें, तो बगैर उनकी जानकारी लिए नहीं हो सकती है। और इसमें निश्चित रूप से थोड़ा सा ये त्रुटि हुई कि सभी जातियों के संबंध में लिखा गया, लेकिन ऐसा कोई डाटा यहाँ से इकट्ठा नहीं किया गया। तो जब कोई ऐसा कृत्य नहीं हुआ और पत्र वापस नहीं हुआ तो यहाँ कार्रवाई जैसी कोई संभावना नहीं बनती है और हमारे द्वारा इस संबंध में इलेक्शन कमीशन को प्रतिवेदन भेजा जा रहा है, जो कि इस संबंध में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। थैंक यू। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।